साथियों नमस्कार है। साथियों एक छोटा सा विषय था जो अमूमन समाज के अंदर है काफी गंभीर बना हुआ है। तो साथियों आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे मिर्गी पे। क्यों देखते हैं अमूमन आजकल तो जो जन्मते बच्चे को ही मिर्गी हो जाती है, उनको दौरे आने लगते हैं और 1 मिनट के अंदर ही उनको बेहोशी आ जाती है। तो साथियों मिर्गी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों किसी भाई को मिर्गी है, चाहे वो कैसी है, वात है, पितज है या कफज मिर्गी है, तो उसके अंदर है आप पंसारी के पास जाना पड़ेगा। वहां से आपको मिलेगी गोरख मुंडी। आप उसको गोरख मुंडी इका काढ़ा बनाइए और उसमें आधा नींबू निचोड़िए, यानी कि 2 चम्मच गोरख मुंडी को 1 गिलास में उबालिए। उबलने के बाद जब 1 कप रह जाए तो उसमें आधा नींबू निचोड़ के उस मिर्गी वाले पेशेंट को दीजिए। तो कुछ समय तक, थोड़े से लंबे टाइम तक, 2-3 महीने तक आप प्रयोग कराओगे तो उसकी कैसे भी किसी भी तरह की मिर्गी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो साथियों जो मिर्गी है वो बहुत ही एक गंभीर रोग है। तो थोड़ा सा आयुर्वेद की दृष्टि से आयुर्वेद के अंदर जाएंगे तो उसमें क्या है, अपतंत्र करी वटी आती है, उसकी 2-2 गोली सुबह शाम लीजिए और एक नागार्जुन का एक माशा आदि कसाई आता है तो वो भी 2-2 ढक्कन आप सुबह शाम लीजिए। तो आप थोड़ा सा लंबा प्रयोग करने पे जो मिर्गी की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथियों कई बार क्या होता है, अभी कहीं ऐसी जगह पर मिर्गी आ जाए जहां न तो नजदीक में हॉस्पिटल है न हमारे पास कोई उपचार है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में साथियों हमें ठीकरी नौसादर लेना है और चूना लेना है। दोनों को समान मात्रा में ले लीजिए, चाहे कितना भी ले लीजिए, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आप 5-5 ग्राम ले लीजिए, ज्यादा है तो 10-10 ग्राम ले लीजिए। उसके अंदर क्या करना है, दोनों को पीस के 5-7 बूंद पानी ही मिलाइए और उसको हिलाइए। हिलाने के बाद जिस व्यक्ति को मूर्छा आई है उसको ढक्कन खोल के सूंघा दीजिए तो उसकी मूर्छा है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। साथियों मिर्गी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो कंटकारी होती है, जिसके पीले पीले फल लगते हैं, उसका ताजा रस 2-2 बूंद है दोनों नाकों में डालिए और 2-3 महीने लगातार कीजिए, आपकी जो मिर्गी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। साथियों मिर्गी के संबंध में एक जानकारी और थी। साथियों किसी भी भाई को अगर अचानक से मिर्गी आ जाए, हमारे पास कोई भी इलाज नहीं हो, तो आप घर के अंदर एक प्रयोग कर सकते हैं। साथियों आक का पौधा तो हर जगह मिल ही जाता है, आप ऐसे कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके आक का दूध इकट्ठा कर लीजिए, चाहे कितना भी हो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम तक। उसमें क्या करने हैं, घर पे जो चावल होते हैं उसको उसके अंदर इतने डाल दीजिए कि आग का दूध है उसके अंदर पूरा समा जाए और उन चावल को आप सुखा दीजिए। सूखने के बाद है उनका पाउडर करके रख लीजिए। जब कभी भी मिर्गी आए तो उस टाइम है आप है उसका जो चूर्ण है नाक में नसवार की तरह सुंगा दीजिए या नाक के आगे थोड़ा रख के किसी नली से फूंक मारिए, वो अंदर चला जाएगा। इससे भी उसकी जो बेहोशी है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो साथियों इसी आशा से मैं वेद संदीप।